हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी आज आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 2 रूल ऑफ द गवर्नमेंट इन। हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हेल्थ को लेकर, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है हम सब डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, इन दिस चैप्टर यू हैव रीड दैट हेल्थ इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे जो हेल्थ है ना, स्वास्थ्य, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लुक एट दिस कोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टर्म लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ इन योर ओन वर्ड्स। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पर देखो, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ अपने शब्दों में। सो हमारे संविधान में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा हुआ है हेल्थ को लेकर भी, जिसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट का भी इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो पब्लिक मींस जो भी हम जनता लोग हैं, इन सभी का न्यूट्रिशन लेवल और जो भी इनको चाहिए मींस हॉस्पिटल, मेडिसिन, वो सब प्रोवाइड करना टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सो आंसर हमारा है, लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स द कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग वन लिव इन। तो लिविंग स्टैंडर्ड मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसमें हम रहते हों, मीन्स हमारे सराउंडिंग, जैसे कि हमारे आसपास समाज में जो लोग रहते हैं उनकी अच्छी कंडीशन में रहना, ठीक है। और पब्लिक हेल्थ रेफर्स द मेजर, पब्लिक हेल्थ रेफर करता है विच दिस स्टेट ऑफ द पीपल, मतलब किसी भी राज्य में जो लोग हैं वो बेसिक मिनिमम लेवल जो है हेल्थ का उसको इंजॉय कर रहे हैं, मीन्स वो उसके लाभ उठा पा रहे हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल। तो ऐसे कौन कौन से अलग अलग तरीके होंगे जिनसे सरकार मींस जो गवर्नमेंट है वो लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सके। सो हमारा आंसर है, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड एप्रोप्रिएट फैकल्टीज सच एज हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक एक्सेट्रा, इन एडिशन टू दिस रिसोर्सेज सच एज डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियन एज वेल एज इन इक्विपमेंट नीड टू बी प्रॉपरली चैनल। तो यहाँ पर देखो, जो गवर्नमेंट है वो किसी भी मीन्स वो हम पब्लिक को अच्छे से अच्छा हेल्थ केयर सेंटर प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। हॉस्पिटल, लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग मीन्स एक्सरेज के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, ठीक है। एम्बुलेंस सर्विस वो प्रोवाइड करवा सकती है, ब्लड बैंक मींस अगर किसी को ब्लड की नीड हो तो, और फिर इन सभी के साथ वो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, नर्सेज, इन सभी इक्विपमेंट के साथ वो हमारे हेल्थ में अच्छे से सुधार कर सकती हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया। तो अपने एरिया में आप प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सेंटर देखते ही होगे, ठीक है। मींस जगह पर भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, पब्लिक हॉस्पिटल हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, आपको कंपेयर करना है। जैसे कि आप पढ़ते होगे तो गवर्नमेंट स्कूल भी होता है और प्राइवेट स्कूल भी होता है, ठीक है। दोनों स्कूल अलग अलग है लेकिन उनका एक अपना स्टैंडर्ड है। मींस गवर्नमेंट स्कूल में फ़ी कम लगती है और फिर प्राइवेट स्कूल में फीस तो काफ़ी हाई लगती है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छे से होती है प्राइवेट स्कूल में। तो इसी वजह से आपको बताना है कि प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल में भी क्या डिफरेंस है। सो फैकल्टी हमारी फर्स्ट है प्राइवेट, तो प्राइवेट में जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है मींस जो फीस लगती है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। और अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, तो यहाँ पर हम जैसे कि इजीली अपना जो भी हमको दवा दिखानी है वो फटैक से हो जाता है काम। हम बीमार हैं, थोड़े ज़्यादा पैसा देंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, हमारा इलाज तुरंत हो जाएगा। लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल में क्या होता है, जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें कॉस्ट ऑफ सर्विस बहुत लो होती है। मींस अगर आप जाओगे इतना तो वहाँ पर जो फीस होती है वो 1 रुपये होती है, ठीक है भाई। 1 रुपये में तो आजकल टॉफ़ी भी नहीं आती सही से, लेकिन 1 रुपये में हमारा इलाज हो जाता है, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और फिर वहाँ पर मीन्स इतने लोग भरे होते हैं खचाखच ना, तो वहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमारे जो सर्विस है ना वो बहुत कम अवेलेबल होती है। मीन्स अगर आपको दवा दिखानी है तो आपको लाइन लगानी पड़ेगी, मीन्स तो काफ़ी टाइम जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिसीजेज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे कि अगर हम सब अपने पानी में सुधार लाएं, ठीक है, और अपने सैनिटेशन को कंट्रोल करें, मतलब जैसे कि हमारे आसपास गंदगी ना हो, ठीक है, और हम लोग पानी वेस्ट ना करें और
और जो वाटर है उसको फिल्टर करके पिएं, ऐसे वैसे कहीं पर पानी बर्बाद ना करें, टैप को क्लोज रखें और जगह जगह सफाई करें, कूलर का पानी इकट्ठा ना होने दें, तो हमारे बीमारियां जो है वो सब पैदा नहीं होंगी। तो एक्सप्लेन करना है आपको, तो यहाँ पर देखिए, इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिसीज। हाँ, तो हम जब अगर इनमें इम्प्रूवमेंट करें अपने पानी में और सैनिटेशन में, मतलब साफ़ सफाई में, तो जो बीमारियां हैं उनको हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू इफ़ वी कंसीडर द नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेज डैट मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम। तो अगर ये सब सही हो गया तो जो हमारे वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, जो पानी की कमी मीन्स जो पानी की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, उन सभी से हम मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। अब बीमारियाँ कौन कौन सी हैं, मीन्स जो हमारी वाटर बॉर्न डिसीज है वो हैं डायरिया, डिसेंट्री एंड कॉलरा, विच काजेज मैनी डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड, और जिनकी वजह से काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं। इफ़ वी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ प्रोवाइडेड एंड सैनिटेशन फैकल्टीज आर लुक आफ्टर, तो ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी अगर हम सब वाटर में, ठीक है, और सैनिटेशन फैकल्टीज में सुधार लाएँ, उनकी साफ़ सफाई करें। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आप अपने क्लास सेवन्थ के सिस्टिक एग्जाम में कैसे इस टिप्स के थ्रू आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड दिस सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न थ्रोली, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि चैप्टर देखा और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले सिलेबस को देखना है, मीन्स हमारे हिस्ट्री में इतने चैप्टर आने वाले हैं, ओके, ज्योग्राफी में इतने आ रहे हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर बुक में इतने इतने चैप्टर आ रहे हैं, और फिर उनके सिलेबस के देखो कि हाँ इसमें ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे हो तो उसमें देखिए क्वेश्चन हाँ बार बार आया हुआ है, तो वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनके बेसिस पे आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। प्रैक्टिस राइटिंग आंसर विद इन द वर्ड लिमिट टू इम्प्रूव, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। तो क्या होता है एग्जाम के टाइम पे, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, तो पूछा जाता है वन वर्ड का आंसर, लेकिन हम सब क्या करते हैं, वन वर्ड का पूछा है तो हम वन लाइन लिख के चले जाते हैं। भाई वो एक नंबर का है, एग्जामिनर हमें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा, इसलिए जितना पूछा है उतना ही करना है। अगर उसमें बोला गया है कि आपको इस आंसर के 3 मार्क्स मिलेंगे, आपको इस आंसर को 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है, तो आप पूरा एक पेज भरते चले जाते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी लिखो पॉइंट वाइज लिखो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और चैप्टर को अगर आप रीड करोगे ना एनसीईआरटी बुक को लाइन बाई लाइन, तो आपके 100 में 100 मार्क्स आएंगे। भाई एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स बिल्कुल भी कटते नहीं है, अगर आप अच्छे से करो, ठीक है। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वैसे आपको फॉलो करना है, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है भाई प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। 6, 7, 8, 9 किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए आपको तुरंत मिल जाएंगे। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में हमारा मैथ नहीं शामिल है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़।